क्या आपने कभी आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग और इसकी असंख्य चुनौतियों के बारे में सोचा है? ये यात्रा, यह आपके आंतरिक आत्म की गहराई में एक रोमांचकारी साहसिक कार्य शुरू करने जैसा है। आध्यात्मिकता का क्षेत्र विशाल और गहरा हमारे अस्तित्व को आकार देता है, हमारे जीवन में गहराई और अर्थ की एक परत जोड़ता है। लेकिन इस रास्ते को पार करना इसके परीक्षणों के बिना नहीं है। ये आध्यात्मिक परीक्षण हैं, बाधाएं हैं जो हमें चुनौती देती हैं, फिर भी अंततः हमारे आध्यात्मिक विकास और समझ को बढ़ावा देने का काम करती हैं। आध्यात्मिक परीक्षण हालांकि चुनौतीपूर्ण है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आपकी यात्रा में आवश्यक कदम है। सबसे पहले हम धैर्य की परीक्षा में उतरते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर एक विकट चुनौती है। एक भिक्षु की तस्वीर ले जो सादगी से लिपटा हुआ है, फिर भी धैर्य की दुर्जेय ताकत से लैस है। वो अराजकता और अनिश्चितता से भरी दुनिया में रहता है, फिर भी उसकी आत्मा बेदाग रहती है। एक दिन एक तूफान उसके विनम्र निवास पर हमला करता है, जिससे उसकी सांसारिक संपत्ति तहस नहस हो जाती है। जहां अधिकांश लड़खड़ाते हैं, भिक्षु धैर्यवान रहता है। उसकी शांति उसके चारों ओर उथल पुथल से अप्रभावित रहती है। वो केवल तूफान के गुजरने का इंतजार नहीं करता है, वो तैयार रहता है। उसकी मन की शांति अटूट है। फिर एक अकाल आता है जो जीविका की भूमि को छीन लेता है, फिर भी साधु का धैर्य अटूट रहता है। वो जीवन के उतार चढ़ाव, बहुतायत और अभाव के चक्र को समझता है। वो केवल कठिनाई को सहन नहीं करता है, वो इसे गले लगाता है। उसकी शांति निर्बाध है। जैसा कि भिक्षु की कहानी बताती है, धैर्य केवल प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में संयम और मन की शांति बनाए रखने के बारे में है। इसके बाद हम क्षमा की परीक्षा का सामना करते हैं, जो आध्यात्मिक परिपक्वता की यात्रा पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे चित्रित करें। एक महिला अतीत के दर्द से दबी हुई खुद को एक चौराहे पर पाती है। जिस व्यक्ति ने उसके साथ अन्याय किया, उसकी पीड़ा का वास्तुकार उसके सामने माफी मांगने के लिए खड़ा है। यह एक दुर्गम कार्य लगता है, अक्षम्य को क्षमा करना। फिर भी वह एक गहरी सांस लेती है, उसे आंखों में देखती है और माफी चुनती है। उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। उसे पता चलता है कि नाराजगी को पकड़कर वो उसे दंडित नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को कैद कर रही थी। क्षमा करके वो खुद को मुक्त करता है। वो नाराजगी की जंजीरों को तोड़ती है जो उसे अपने अतीत से बांध रही थी। वो एक नई शांति, आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की जगह में कदम रखती है। क्षमा का ये कार्य उसकी मुक्ति बन जाता है, आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर उसका कदम बन जाता है। महिला की कहानी इस बात की पुष्टि करती है कि माफी अपराधी को भगाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को असंतोष की जंजीरों से मुक्त करने के बारे में है। अंत में हम प्रेम की परीक्षा पर आते हैं, अंतिम आध्यात्मिक परीक्षा। एक आदमी की कल्पना करें जो दिल टूटने और विश्वासघात से पीड़ित है, फिर भी उसका दिल प्यार की किरण बना हुआ है। चाहे उसने जो दर्द सहन किया हो, वो बिना शर्त प्यार करना जारी रखता है। उसकी आत्मा अटूट है। उनकी कहानी निराशा में से एक नहीं है, बल्कि प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। यह उसके कार्यों के माध्यम से है। हम देखते हैं कि कैसे प्यार आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, दर्द और विश्वासघात को पार करता है। आदमी की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार कब्जे के बारे में नहीं है, बल्कि बिना शर्त देने के बारे में है। अंत में आइए इन आध्यात्मिक परीक्षणों के महत्व पर विचार करें। धैर्य की परीक्षा हमें सहन करना, जीवन के तूफानों को लचीलेपन के साथ सामना करना सिखाती है। क्षमा की परीक्षा हमें अतीत के दुखों को छोड़ने और करुणा पैदा करने की अनुमति देती है। प्रेम की परीक्षा हमें दयालुता और समझ फैलाने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमारे भीतर और आसपास सद्भाव पैदा करती है। ये परीक्षण केवल चुनौतियां नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, आध्यात्मिक विकास एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। और ये परीक्षण आपके मार्गदर्शक सितारे हैं, जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया। हम अपने समुदाय की शक्ति में विश्वास करते हैं, और हमें और अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। यदि यह वीडियो आपको प्रेरित करता है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करें। चलो सकारात्मकता को दूर दूर तक फैलाएं।